नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, धनुराशि वालों, 17 और 18 जनवरी 2023 से जी दोस्तों, इन दो दिनों के समय अवधि में आप लोग चंद पैसों के लालच में बुरा फंसेंगे जी दोस्तों। आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती हैं जी दोस्तों। तो ऐसे में आप लोगों को अगले दो दिन बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता होंगी, और आने वाले इन दो दिनों के अंदर आप लोग कोई ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें जिनसे कि आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़े। और दोस्तों, खास बात तो यह कि ऐसे में आप लोगों को कार्य क्षेत्र में जरा संभल कर रहने की काफ़ी आवश्यकताएँ होंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसे में आपके विरोधी आपको कोई बड़ा लालच देकर बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को इन बातों को या समय विशेष ध्यान रखना होगा, और या समय आप किसी के बहका में आकर कोई भी गलत फैसला या फिर गलत कदम ना उठाएं, नहीं तो वे आपके लिए समस्याएं बन सकती हैं जी दोस्तों। तो इन बातों को आप विशेष या समय ध्यान रखेंगे जी दोस्तों। तो आज की पूरी वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। तो आपसे बस इतना से निवेदन करता हूँ कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले इन दो दिनों के, यानी कि 17 और 18 जनवरी 2023 आने के दो दिनों की आपकी राशिफल की, महाराशिफल के बारे में। तो यह दो दिनों का समय आप सभी जातकों के लिए कैसा रहने वाला है दोस्तों, या दो दिनों के समय अवधि में आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, तो कौन कौन सी बड़ी चुनौतियों का सामना आपको इसमें करना पड़ेगा, तो कौन कौन से बड़े संकटों का भी सामना आपको इसमें करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या क्या सावधानी भी रखनी पड़ेंगी, साथ ही ऐसे में आपको कौन से गलतियों को करने से बचकर भी रहने की काफ़ी आवश्यकताएँ होंगी, और साथ ही बात करेंगे इन दो दिनों की समय अवधि में आपका बिजनेस, व्यापार कैसे रहेगा, आपकी नौकरी कैसे रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसे रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसे रहेंगी, कर धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगी, घर परिवार का माहौल कैसे रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसे रहेंगी दोस्तों। सारी के सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हम आप सभी जातकों को पूरी सटीक बताएंगे, तो आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, और अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। इससे पहले भगवान गणेश जी के सभी सच्चे भक्ति से वीडियो को अभी कभी अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से जय श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें दोस्तों, आपकी सारी मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के एक बड़े ही सुंदर अनमोल विचार के साथ। दोस्तों गुरु जी कहते हैं कि लोग तो अपनी ज़िंदगी में कर्म करने पर अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। दोस्तों जो इंसान अपनी ज़िंदगी में जैसा कर्म करेगा दोस्तों, उसे भगवान वैसा फल एक न एक दिन ज़रूर देंगे दोस्तों। जो अच्छे कर्म करेंगे दोस्तों, उन्हें अच्छे फल की प्राप्ति होगी, और अपनी ज़िंदगी में जो लोग बुरे कर्म करेंगे दोस्तों, उन लोगों को भी एक न एक दिन बुरे फल की प्राप्ति ज़रूर होंगी जी दोस्तों। तो इन बातों को आप लोग हमेशा अपने जीवन काल में ध्यान में जरूर रखना दोस्तों। अगर गुरु जी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो और सही लगा हो, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से जय गुरुदेव महाराज जरूर लिखें दोस्तों, आपकी सारी मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं आने पर इन दो दिनों की आपकी राशिफल की, महाराशिफल के बारे में। दोस्तों आने वाले अगले दो दिनों का समय आप सभी जातकों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, परंतु दोस्तों या समय आप लोगों को जरा संभल कर रहने की काफ़ी आवश्यकताएँ होंगी, क्योंकि दोस्तों या समय आपके विरोधी आपको किसी प्रकार को भी मुसीबत में डाल सकते हैं दोस्तों, या समय आपको वे लोग कुछ छोटे से लालच देकर बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को या समय किसी के बहका में आप या पर कोई भी गलत फैसला बिल्कुल भी ना लें, नहीं तो वे आपके लिए समस्याएँ बन सकती हैं। या समय आप जो भी कदम उठाएंगे खुद उठाएं और सोच समझ के उठाएं, तो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और दोस्तों या समय आप लोगों को करियर और कारोबार को लेकर किए गए हर एक प्रयास, हर एक परिश्रम आपके लिए बड़ी सफलता या समय हासिल करवा सकती हैं दोस्तों। आप लोग इसमें जो भी करियर और कारोबार के लिए प्रयास करेंगे, जो भी आप इसमें परिश्रम करेंगे दोस्तों, उसमें आपको इसमें बड़ी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। और इसमें कार्य क्षेत्र में आपके कामकाज की प्रशंसा काफ़ी अच्छी होंगी, जिनसे आपका मन काफ़ी इसमें प्रसन्न भी दिखाई देंगे, और इसमें आपको बड़े से सम्मानित भी किया जा सकता है। और यदि आप लंबे समय से नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे, तो इसमें आपकी यह कामना भी पूरी हो सकती हैं, जिनसे आपका मन काफ़ी प्रसन्न और काफ़ी खुश भी ऐसे में दिखाई देंगे। और यह समय आपको कोई ऐसा अच्छा ऑफर भी मिल सकता है, जो आपके लिए बड़ी
लाभदायक साबित होंगी और इस ऑफर का आप लोग भरपूर फायदा उठाएं क्योंकि आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल भी सकती हैं। और दोस्तों यश में नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत भी बनेंगे और यश में संचित धन में आपकी काफ़ी अच्छा यश वृद्धि भी होंगी। और दोस्तों व्यवसाय से जुड़े लोगों को यश में कारोबार बढ़ाने की कामना भी पूरी हो सकती है। खास बात तो यह कि यश में इसमें आपको स्वजनों का पूरा सहयोग मिलेंगे। और दोस्तों यश में राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ उनका यश में बढ़ेंगे जिनसे उन्हें मनचाह पद या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी भी यश में मिल सकती है। और यश में के मध्य में आप लोगों को किसी भी धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। और दोस्तों यश में आप लोगों को अपने किसी भी खास मित्र की ओर से कोई ऐसी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है जिसे सुनकर आपका मन और दिल काफ़ी खुश भी होंगे और आप काफ़ी गदगद भी यश में रहेंगे। और यश में विद्यार्थी अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में दिन का काफ़ी समय व्यतीत भी करेंगे। और दोस्तों जो लोग नौकरी में कार्य करते हैं दोस्तों उन लोगों को यश में थोड़ा सावधान रहने की काफ़ी आवश्यकता होंगी क्योंकि दोस्तों उन लोगों को यश में किसी के साथ मतभेद होने की आशंकाएं बढ़ रही हैं तो ऐसे में आपके यश में जरा सतर्क रहने की काफ़ी आवश्यकताएँ होंगी। और यश में आप लोग किसी भी बेफालतू के विवाद में नहीं पड़े तो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और यश में आप दूसरों की मदद के लिए आगे अभी आएंगे लेकिन आपको अपनी पुरानी गलती से यश में सबक भी लेना होगा। और यश में बिजनेस व्यापार के मामले में आपके लिए समय समान रहने वाला है। यश में आप व्यापार में अति आत्मविश्वास में आकर कोई ऐसा गलत निर्णय ना ले वरना आपको नुकसान यश में हो सकता है। तो यश में आप लोग सोच समझकर जो भी निर्णय लेंगे वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होंगे। और यश में आप लोग कोई भी बड़ा व्यापारी निर्णय उच्च अधिकारियों से सलाह अवश्य मशवरा करें तो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और यश में नौकरी पेशा वर्ग में कुछ कर्मचारियों को उनके खराब कार्य प्रदर्शन के कारण परेशानी भी हो सकती है। और दोस्तों यश में सेहत भी आपकी अच्छी रहेंगी। हालांकि जिन लोगों को कंधे में दर्द की समस्याएं हैं दोस्तों उनका दर्द यश में उन्हें काफ़ी परेशान कर सकते हैं इसलिए यश में अत्यधिक व्यायाम करने से आपको बचना होगा तो ही आपके लिए यश में बेहतर रहेंगे। और यश में विवाहिक जीवन भी आपका किसी बात को लेकर छोटी मोटी नोकझोंक की स्थिति बनी रहेंगी लेकिन फिर भी आपसी प्रेम बना रहेंगे। और यश में कुछ लोगों के मन में विदेश जाने का विचार भी आ सकते हैं जिन्हें उनका सपना भी यश में ये पूरा हो सकता है। और यश में आपके अपने परिवार के सदस्यों का यश में पूरा साथ भी मिलेंगे जिनके लिए आप ज़िंदगी की सारी मुश्किलों को हमेशा हमेशा के लिए दूर भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर प्रेम की दृष्टि में देखा जाए तो यदि आप किसी के सामने काफ़ी लंबे समय से प्रेम का प्रस्ताव रखने की सोच रहे थे तो दोस्तों यश में आपकी यह बात भी बन जाएंगी। और वहीं पहले से जो लोग प्रेम संबंध में चलते आ रहे थे दोस्तों वे लोग यश में अपने लव पार्टनर के साथ समय काफ़ी अच्छा सुखद पर बिताएंगे और उनके प्रेम संबंध यश में प्रगाढ़ भी होंगे और उनका विवाहिक जीवन यश में काफ़ी अच्छा सुखमय और सुख शांति से बीतने वाला है।